भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई हर साल रणजी ट्रॉफी को आयोजन करावे और बीसीसीआई इस साल 2024 में भी रणजी ट्रॉफी को आयोजन कराए और अमेरिका में जो खिलाड़ी वे बहुत ही दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक खिलाड़ी को जो प्रदर्शन है वो बहुत ही बड़े निखर के है। जो खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर को दोस्त है और विराट कोहली को किए चेल रहे हो। यो खिलाड़ी 197 रन की ऐतिहासिक पारी खेली है जिसकी चर्चा भर जगह हो रही है। तो आखिरकार इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो खिलाड़ी कौन है जो कि रणजी ट्रॉफी 2024 में शानदार 197 रन की पारी खेली है। दरअसल आप जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन तेंदुलकर को दोस्त है और घरेलू टीम गोवा के स्टार बल्लेबाज सुरेश प्रभुदेसाई के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रणजी ट्रॉफी 2024 में मैच नंबर 31 में 197 रन की कमाल पारी खेली है। जिस वजह से अभी खिलाड़ी की चर्चा चारों तरफ बहुत जोर शोर से चल रही है। सुरेश प्रभुदेसाई आईपीएल में विराट कोहली की टीम से यानी बेंगलुरु की टीम से खेले और बेंगलुरु की टीम से यो खिलाड़ी बहुत कुछ सीखे है। यानी कि बेंगलुरु की टीम में विराट कोहली खेले और विराट कोहली के नीचे रहेगी यानी विराट कोहली के साथ रहेगी यो खिलाड़ी बहुत कुछ नए सीखे है। प्रभुदेसाई रणजी ट्रॉफी 2024 के मैच नंबर 31 में चंडीगढ़ के खिलाफ 364 गेंदों का मैंने 197 रन की पारी खेली। इस पारी का मैनी का बल्ला से 18 चौका और एक छक्को निकलो। एक दमदार पारी का बदौलत ही गोवा की टीम यो मैच आराम से जीत लियो। तो प्रभुदेसाई को यो जो स्कोर है यो टीम इंडिया का दरवाजा एक बार फिर से खटखटा रहे। प्रभुदेसाई पिछले साल आईपीएल 2023 में भी बेंगलुरु की टीम के लिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाए हो लेकिन के बावजूद एक खिलाड़ी ने टीम इंडिया में कौन चुने गयो। लेकिन एक और रणजी में प्रदर्शन देख के लग रहे हैं कि वो खिलाड़ी बहुत ही जल्दी टीम इंडिया में आपके कदम रख देसी क्योंकि जो प्रभुदेसाई की पारी है वह बड़ा बड़ा खिलाड़ी अपनी ओर आकर्षित कर रही है और साथ ही बीसीसीआई की टीम है बीकी भी एक ऊपर नजर जा रही है। तो प्रभुदेसाई जल्दी अपना टीम इंडिया में खेल तो नजर आवेगो। प्रभुदेसाई की जो मेहनत है यह एक बार फिर से रंग लेके आवेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर थाने वीडियो चोखो लग रही है और थाने आगे भी है वीडियो देखना ही तो ये वीडियो लाइक जरूर कर लो और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो ने अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दो।